दोस्तों फाइनली रेलवे भर्ती बोर्ड ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जी। दोस्तों परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, साथ ही साथ एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक भी एक्टिवेट हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दो लिंक एक्टिवेट कर दिए जाए। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके साथ ही साथ एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक भी एक्टिवेट हुआ है। दोस्तों पूरी जानकारी देखने के लिए आप सभी को आना indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां से आप किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। हम एग्जाम्पल के लिए कोलकाता बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक यहां पर एक्टिवेट है। या दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं। सेकंड लिंक पर जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। CEN 02 2019 पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंतर्गत जो पद निकाले गए थे 1937, जिसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों आपका फॉर्म एक्सेप्टेड किया गया है या रिजेक्टेड हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस लिंक के माध्यम से पता चल जाएगी। या दोस्तों और आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्टेड हुआ है, इसका रीजन भी आपको बताया जाएगा। 9 जून 2019 को 10 बजे यह लिंक एक्टिवेट होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम की। तो दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंतर्गत जो स्टाफ नर्स के पद निकाले गए थे, जिसकी एग्जाम सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2019 यानी जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराई जाएगी, और बहुत ही कम लोगों ने इस भर्ती में आवेदन किया, जिसकी वजह से आपकी जो एग्जाम एक या दो दिन में ही कंडक्ट हो जाएगी। दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऊपर के लिंक पर क्लिक करना होगा, और यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल कर देने के बाद लॉगिन करना होगा। आपको यहां पर रीजन भी बताया जाएगा किस वजह से आपका फॉर्म एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड हुआ है। और दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके साथ ही साथ एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 27 जून 2019 से आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, जहां से आप आरआरबी एनटीपीसी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं।